हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम में रिसोर्सेज डाउनलोड प्रॉब्लम क्यों होता है और इस प्रॉब्लम को कैसे आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस प्रॉब्लम को मैंने ऑलरेडी फेस कर चुका हूं और मैंने 4 घंटा से मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया, लेकिन जो तरीका मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया उसके बाद, ओनली ये जो वीडियो है 5 मिनट से या 6-7 मिनट के अंदर अंदर मैं सारा का सारा वो 4 घंटा का जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आप देखिए, मिस मत कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम है आप देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, काफ़ी आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और कभी भी ये जो रिसोर्सेज प्रॉब्लम अगर होता है, अगर 1000 बार भी होता है तब भी आप बहुत ही आसानी से आप जिस चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों नमस्कार, मैं नाम राकेश, आप देख रहे हैं स्ट्रीमिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम में रिसोर्सेज डाउनलोड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है बहुत ही आसानी से। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल गेम से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कि प्रॉब्लम आ रहा था कि ओपन ही नहीं हो रहा था, रिसोर्सेज डाउनलोड प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों होता है इसके रिलेटेड हम बात करेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन में बात करेंगे। दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर इसका जो मेन फाइल है वो डिलीट हो जाने के वजह से होता है। तो अगर आप फाइल मैनेजर पे आएंगे और यहाँ पर जो फाइल वाला ऑप्शन में आएंगे और ये एंड्रॉयड ऑप्शन के अंदर आएंगे और ओबीबी फोल्डर के अंदर व्यू इन फाइल के अंदर आएंगे, ठीक है, अगर आपके डायरेक्टली आप आ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में ऐसा दोबारा दिखा रहा है। तो मैंने फिर से दोबारा वही फोल्डर में आ गया और ये रहा COM.com PUBG, ठीक है। तो ये रहा मेन फाइल। तो ये जो मेन फाइल अगर कभी भी किसी भी तरह अगर डिलीट हो जाता है, तो या तो कोई भी डिलीट भी कर देता है जानबूझकर, या तो आपने कोई क्लीन मिलीन फाइल करता था, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं काफ़ी सारा, हम मोबाइल के स्कैनिंग करते हैं, क्लीन करते हैं, उसी टाइम पे भी डिलीट हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे में डिलीट हो जाने के बाद से ये जो बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल गेम में, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जो BGMI गेम में रिसोर्सेज डाउनलोड प्रॉब्लम आता है। तो ये आपको अगर चुटकी में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सिंपल है दोस्तों, उसको सिंपल आप कॉपी करके एक दूसरा एक फोल्डर में रख दीजिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आप देखिए यहाँ पर मैंने जो मेन जो फाइल है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी करके रख दिया, वो दूसरा फोल्डर में रख दिया हो, तो मैंने यहाँ पर ओपन नहीं रख दिया हो, ठीक है। तो यही होता है मेन, सबसे बहुत ही मतलब सिंपल ट्रिक दोस्तों, वहाँ पर जो फाइल है आपके जो ये एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, जो ओबीबी फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है, मतलब जो भी मेन फाइल है उसको आप सिंपली कॉपी करके रख दीजिए। और जब भी ये डिलीट हो जाता है किसी भी कारण से, वो रिसोर्सेज डाउनलोड प्रॉब्लम आता है, सिंपली उसी टाइम पर आप ये जो फाइल है उसी फोल्डर के अंदर दे दीजिए। आप देखेंगे आपके गेम जो कि तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप इसी फोल्डर, ये जो फाइल है मेन फाइल, आप चाहे तो अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, उनके पास अगर भी कभी भी रिसोर्सेज प्रॉब्लम होता है तब भी आप उनके साथ भी आप ये जो मेन फाइल है शेयर कर सकते हो। और याद रखिए ये जो फाइल है अपडेट वाला फाइल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दिन का पुराना है, ऐसा नहीं, एकदम न्यू अपडेट वाला होना चाहिए तब भी ये जो फाइल है काम करेगा। मतलब जैसे 1 साल पुराना वाला फाइल है और अभी आप 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद वही फाइल यूज़ करो तो ये काम नहीं करेगा। वैसे तो मैंने बहुत दिन का बता दिया, तो एग्जांपल मैं आपको बताया, तो ये अपडेट वाला फाइल होना चाहिए। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में एक दिक्कत ये है कि ओबीबी फोल्डर जो भी है यहाँ पर। तो दोस्तों सिंपल सा ट्रिक तो मैं आपको बता दिया, अभी ये जो मैं प्रैक्टिकली करूँगा तो कैसे मैं करूँगा, अगर आप बताएंगे प्रैक्टिकली मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो दोस्तों देखिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा जो फाइल है अभी डिलीट हो चुका है तो मुझे अभी प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम है तो ये ऐसे ही होम पेज में मुझे दिखाई देंगे, लेकिन इसको मैं नहीं खेल सकता हूँ, नहीं ओपन कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे प्रैक्टिकली अभी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो पूरा एकदम धीरे धीरे हम इस बात को समझेंगे कि अभी हमारा जो मोबाइल है, अभी मैं एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर जाऊँगा और ओबीबी फोल्डर के अंदर जाऊँगा, ये जो फोल्डर है इसको एक्सेस करने नहीं दे रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ से जो भी फाइल मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कॉपी करके दूसरा कोई फोल्डर में मुझे लेने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये एक एंड्रॉयड इसी मोबाइल में एक प्रॉब्लम, शायद ये आपके साथ भी हो सकता है, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो अब तो कोई बात ही नहीं है,
अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं, सिंपली आप कॉपी करके दूसरा फोल्डर में रख दीजिए और जैसे ही ये मतलब डिलीट हो जाता है तो सिंपली आप एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर आ जाइए, ओबीबी फोल्डर के अंदर आ जाइए, ये जो COM पबजी ये जो .com इसके फोल्डर के अंदर सिंपली वो जो फाइल है आप सिंपली यहाँ पर आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट में क्लिक कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए तो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो सिंपल आपको करना क्या, दूसरा ट्रिक आपको यूज़ करना पड़ेगा, वो ये है आपको प्ले स्टोर से एक सिंपल आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का नाम है एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर, ठीक है। जैसे आपने इसको इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन में क्लिक कर देना, ठीक है, तो मैं जो भी फोल्डर है आप एक्सेस कर सकते हो, ओबीबी फोल्डर को भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आप इसे यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, तो इंटरनल स्टोरेज में आपको टच करना होगा क्योंकि जो भी फाइल प्ले स्टोर से जो भी डाउनलोड होता है गेम वगैरह सब कुछ जो कि इंटरनल स्टोरेज के अंदर ही इंस्टॉल होता है, डाउनलोड होता है, तो इसके बाद आपको वही आपको एंड्रॉयड वाला ऑप्शन आपको चॉइस करना है जो कि मैंने आपको बताया, और एंड्रॉयड वाला फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा ओबीबी फोल्डर, तो ओबीबी फोल्डर में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगेगा, सिंपल आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है, कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद नीचे आपको और एक परमिशन मांगेगा, ये यूज़ द फोल्डर, मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो सिंपली यूज़ द फोल्डर में क्लिक करेंगे और अलाउ पे क्लिक करेंगे, बस हो गया काम मेरा। अभी इसी फोल्डर को जो भी ओबीबी फोल्डर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उसको हम सिंपली जो कुछ भी हम चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, इसी फोल्डर के द्वारा। अभी मैं इसी फोल्डर के अंदर मेरे को एक कमियाँ है, वो ये है कि जो भी मेन फाइल है वो डिलीट हो चुका है किसी भी रीजन की वजह से, या कोई भी डिलीट कर दिया किसी भी रीजन की वजह से, तो वो जो मेन फाइल डिलीट हो जाने की वजह से ही मेरा जो गेम है वो नहीं चल रहा है, वो रिसोर्सेज डाउनलोड प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर मुझे वो जो मेन फाइल है दे देना है, तब भी जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा चुटकी में। इसके बाद मैं यही जो ये रहा मेन फाइल मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा था, मैं डिलीट हो जाने से पहले ही मैंने कॉपी करके रखा था यहाँ पर, तो सिंपली इसको हम टच करेंगे और यहाँ पर कॉपी टू क्लिकबोर्ड में हम क्लिक करके यहाँ पर ये जो COM.pubg ये जो गेम है, ये जो फोल्डर है, इसी फोल्डर के अंदर हम टच करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम पेस्ट में क्लिक कर देंगे, और नीचे भी आप देख सकते हो पेस्ट ऑप्शन आ चुका है, सिंपली आपको पेस्ट में क्लिक कर देना। जैसे आपने पेस्ट में क्लिक करेंगे वो जो मेन फाइल है यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही वो गेम आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो फाइल है मेन फाइल 600-700 MB का शायद होगा, हाँ इसका MB बढ़ता घटता रहता है, तो ये यहाँ पर दे दिया मैंने इसी फोल्डर के अंदर, जो पहले ही जैसे था वैसे ही यहाँ पर मैंने रख दिया। तो अभी मैं सिंपली इससे बैक कर दूंगा और पबजी गेम को मैं सिंपली ओपन कर लूँगा। आप चाहे तो वो जो फाइल है जो मैंने जो प्ले स्टोर से मैंने जो डाउनलोड किया उसी एप्लीकेशन को आप चाहे अभी अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने उस ऐप के द्वारा मैंने वो जो फाइल को मैंने यहाँ पर मेन फाइल को रख दिया। अभी आपके सामने टोटल लाइव प्रूफ आप देख सकते हो वो जो गेम है, पहले रिसोर्सेज डाउनलोड प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा रहा था, अभी देखो टोटली ये जो गेम है ओपन हो रहा है कितना आसानी से। फ्रेंड मैं आप तो मतलब कितना अच्छा भी लग रहा है कि आप लोगों को मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा। अभी मेरा अगर ये रिसोर्सेज प्रॉब्लम अगर 100 बार भी होता है, अगर 1000 बार भी होता है, तब भी मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो गेम का फाइल है मैंने कॉपी करके रखा हो, ठीक है, तो उसी कॉपी को बार बार हम वहाँ पर दे देंगे उसी ऐप के द्वारा। अगर आपके ऐप नहीं लग रहा है तो आप तो डायरेक्टली आप दे सकते हो ओबीबी फोल्डर के अंदर, अगर आपको ओबीबी फोल्डर एक्सेस नहीं कर सकते तब भी आप बहुत ही आसान से उसको उसी ऐप के द्वारा आप इसको यूज़ करके आप सिंपली आप उसी फाइल में हम दे देना, आप देखेंगे काफ़ी आसान से आपकी जो पबजी गेम है बैटल ग्राउंड मोबाइल गेम है काफ़ी आसान से ये ओपन हो जाएगा, आपकी रिसोर्सेज डाउनलोड प्रॉब्लम जो भी था ये आपको बार बार नहीं हो पाएगा। तो पेन कुछ इस सबसे काफ़ी आसान से अपने बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल गेम में अगर रिसोर्सेज डाउनलोड प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत ही आसान से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, लाइक तो कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मैंने 4 घंटे से मैंने इस वीडियो को मैंने टेस्टिंग करके मैंने एक आइडिया लगाया, उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने 8-9-10 जो भी है आप इसी टाइम के अंदर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। देखिए आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको सारा ज़िंदगी भर आपको ये जो बात आपको याद रहेंगे और आप इसको आप कर सकते हो, आपको कोई और दूसरा कोई भी वीडियो आपको देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। रिसोर्सेज प्रॉब्लम कि आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हो, अपने फ्रेंड का भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो जरूर एक लाइक दे के जाना और कमेंट में बता देना आपके राय, जो भी है कमेंट कर देना। फ्रेंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट, कोई और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, हो सके उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही,
और फ्रेंड चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब लोग जय हिंद, वंदे मातरम।